तो भाई लोग यार कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो गाइस यार कैसे चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन? तो गाइस यार पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि भाई यार जो है ये PDF अच्छे से नहीं हो पा रहे कन्वर्ट। तो गाइस यार उसका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो गाइस आपको पहले तो अपने PDF जो भी कन्वर्ट करना है उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको गूगल ब्राउजर में जाना है और उसके बाद आपको एक सर्च करना है यहाँ पे NF PDF करके। तो गाइस आप जैसे ही NF PDF करोगे सर्च, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, i2 PDF ऐसा कुछ करके आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस आपको इस PDF इसे वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस वेबसाइट से आप आसानी से अपने PDF कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको जो आप ऊपर दो डॉट दिखाई दे रहे हैं उस पर जाके आपको टूल्स पे जाने के बाद आपको मर्ज PDF ऑप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ से आपको सूज फाइल्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो भाई यहाँ से आपको अपनी फाइल चूज कर लेनी है, जिस भी फाइल को आपने डाउनलोड किया था उन दोनों फाइल को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। भाई सेलेक्ट करने के बाद आपकी फाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो भाई जैसे ही फाइल आपकी यहाँ पर अपलोड होती है उसके बाद आप अपना फाइल जो है अच्छे से सिक्वेंस देख के ना चेक कर लीजिए कि आपके जो है लेक्चर सही से लगे हुए हैं कि नहीं। उसके बाद आप सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर लीजिए। तो गाइस जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा मर्ज ऑप्शन वाला, उसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। गाइस जैसे ही आपको ये फाइल डाउनलोड होती है आपको एक ऐप खोलना पड़ेगा PDF कन्वर्टर वाला, जिसमें जाके हमको इसको जो है इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस PDF कन्वर्टर में जाने के बाद आपको PDF टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो स्प्लिट PDF है उस पर इन्वर्ट PDF करके सबमिट कर देना। तो आपका गाइस जो है PDF इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बैक टू वाइट हो जाएगा। तो गाइस इसके बाद आपको वापस उसी वेबसाइट पर जाना है और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर जाना है वापस से, और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है रिमूव पेजेस वाला ऑप्शन। तो गाइस जैसे आपको रिमूव पेजेस वाला ऑप्शन जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने फिर से एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा सूज फाइल वाला। तो यहाँ से आपने जो भी फाइल इन्वर्ट की है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको अपने उस वेबसाइट पे ओपन कर देना। तो गाइस जैसे ही आपकी फाइल अपलोड होगी यहाँ पे आपकी सारी स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। जो जिस भी स्लाइड को आपको डिलीट करना है उसको आप आसानी से ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैं अपनी जो कुछ कुछ स्लाइड है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस इससे जो है आप एक पेपर पर जो है कम से कम 8 स्लाइड अरेंज कर सकते हो। तो गाइस सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है डिलीट कर देना और उसके बाद डाउनलोड नहीं करना। नीचे आपको एक एनअप वाला ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 करके, उस पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे 6 की जगह 8 कर लेना है और ऊपर ऑप्शन में जाके A4 साइज़ का पेपर कर लेना है और टॉप टू बॉटम करके मीडियम साइज़ कर लेनी है। तो गाइस ऐसा करने के बाद आपको जो है एक पेपर पर जो 8 8 स्लाइड आ जाएगी और अच्छे से PDF आप इसको निकलवा सकते हो। गाइस यार ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और आपकी नीट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है और AATS में कैसे नंबर आ रहे वो भी कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।